नवाज शरीफ और वजीर अला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत गंदम खरीदारी के मामले पर मुस्लिम नून का मशावरती इजलास हुआ। सूबाई वज़रा सीनियर रहनुमा और मुतल्लिका हुकाम की शिरकत, किसानों के साथ होने वाले मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग दी। राना सनाउल्ला ने गंदम खरीदारी पर किसानों के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया, तजावीज़ भी पेश की। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन ने बताया कि गंदम खरीदारी का मसला हुकूमती पॉलिसीज के बायस नहीं बल्कि जिम्मेदारी बैरून मुल्क से गंदम दरामद करने वालों पर आयद होती है। गंदम बहरान पर नवाज शरीफ भी मुतहर्रिक। लीगी कायद के तलब करता इजलास में मुतल्लिका हुकाम की ब्रीफिंग। वज़ीर खुराक पंजाब ने बहरान की वजह गंदम की दरामद करने वालों पर डाल दी। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत गंदम की सूरत हाल के बारे में मुशावरती इजलास हुआ। राना सनाउल्ला ने इजलास में किसानों के साथ होने वाले मुज़ाकरात की तफसील बताई। उन्होंने गंदम बहरान से मुतल्लिक किसान तंजीमों के तहफ़्फ़ुज़ात से भी आगाह किया। वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन ने दावा किया कि गंदम का बहरान मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज के बायस नहीं है, बहरान की जिम्मेदारी गंदम दरामद करने वालों पर आयद होती है। बिलाल यासीन ने कहा, गंदम बहरान के नाम पर मफाद परस्त टोला एहतजाज की आड़ में सियासत कर रहा है। हुकूमत छोटे किसानों को तनहा नहीं छोड़े। मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज ने भी उनके मामलों पर ब्रीफिंग दी। मीटिंग में बाज़ तजावीज़ भी पेश की गयी।